एवरी वन, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। मेरा नाम है रियाज खान एंड वी आर बैक विद न्यू वीडियो। PCT वाला सीरीज चल रहा है, PCT का पार्ट टू है। तो आज हम बात करेंगे DCT के ऊपर। DCT मतलब ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी। तो ये क्यों की जाती है? ये की इसलिए जाती है ताकि जब हम PCT करें तो उससे पहले हम मिनिमल जो है अपने साइड इफ़ेक्ट्स को रखें, ताकि PCT सक्सेसफुल हो सके। जो लोग DCT नहीं कर रहे होते, यानी ड्यूरिंग साइकिल को थेरेपी अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, उनको आफ्टर साइकिल बड़े साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। उनका जो है उनको क्योर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए DCT को अप्लाई किया जाता है। तो आज बात करते हैं DCT पे। अगर उससे पहले एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, जाके डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, वो सारे हमने फिक्स कर दिए हैं। उसका अपग्रेडेड वर्जन प्ले स्टोर पर लाइव कर दिया गया है। iOS वाला अंडर डेवलपमेंट है, बहुत जल्दी आ जाएगा वो भी। उसके अलावा हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं, उसका एक बहुत ही अच्छा अपडेट जो है तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी आपको दिखेगा। तो प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन, ताकि आपको जो है और जो इन चीज़ों से रिगार्डिंग अपडेट्स हैं एप्लीकेशन पे मिलती रहे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे एस्ट्रोजन कंट्रोल, सबसे पहला। दूसरा है आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। तीसरा है आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। चौथा है आपका एक्ने कंट्रोल और हेयर लॉस को कैसे बचाएं ड्यूरिंग द साइकिल। पांचवा है आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर, जिन लोगों को ड्यूरिंग साइकिल सोने में प्रॉब्लम होती है उसको कैसे क्योर किया जाता है। मूड स्विंग्स जिन लोगों को होते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, आप क्या आप ऐसी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि आपको मूड स्विंग्स ना आए। उसके बाद हम बात करेंगे अपसेट स्टमक के ऊपर, जिन जो ड्यूरिंग साइकिल लोगों का अक्सर पेट ख़राब रहता है, उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसी चीज़ें ली जाएँ कि वो सब ना हो। उसके बाद आती है आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम या फिर हिकअप्स, हिचकियाँ आना बहुत ज़्यादा, ये साइकिल में कई लोगों को होता है, तो इसके लिए भी कुछ स्पेशल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आती है टेस्टिकुलर एट्रोफी, लोगों के टेस्टिकल श्रिंक हो जाते हैं जब वो ऑन साइकिल होते हैं, तो टेस्टिकल्स को कैसे क्योर किया जाता है, कैसे सेफ रखा जाता है ड्यूरिंग साइकिल। और आगे है आपका प्रोस्टेट पे हम लोग बात करेंगे, और लिवर किडनी कैसे कंट्रोल की जाती हैं। साथ ही में होगा आपका जॉइंट पेन, जो लोगों को जॉइंट में दर्द होता है जब ड्यूरिंग साइकिल, जब कटिंग फेज में आते हैं खासतौर पर, जब उनको जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाता है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि वो कैसे क्योर किया जाए। तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, बहुत कुछ है आपके लिए, तो बने रहिए, फिर शुरू करते हैं। सो गाइस, एस्ट्रोजन कंट्रोल, मेरे हिसाब से एस्ट्रोजन के ऊपर हमें बहुत सारी बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम दो वीडियोस दे चुके हैं एस्ट्रोजन के ऊपर कि कैसे एस्ट्रोजन को क्योर किया जाए। जिन्होंने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, जाके देखिए। इस वीडियो में हम एस्ट्रोजन के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। जो भी लोग एस्ट्रोजन कंट्रोल जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, प्लीज़ जाके देखिए। तो आता है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, तो यहाँ पे हम दो टॉपिक्स को आपस में मर्ज करते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल और हार्ट हेल्थ, इन दोनों को हम एक साथ लेकर आते हैं। अगर आप हार्ट हेल्थ को अच्छा रखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो हार्ट हेल्थ के लिए हम लोग कुछ ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का यूज़ करते हैं, सप्लीमेंटिंग करते हैं डाइट में अपनी। कोशिश कीजिए कि आप रॉ फिश वगैरह भी कंज्यूम करें अपनी डाइट में, ताकि आपको जो है अच्छा ओमेगा 3 भी बाहर से मिले। सप्लीमेंट वाला भी अच्छा ही होता है, वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। सिमिलरली कार्डिक एक्सरसाइजेस, यानी कि कार्डियो ज़्यादा करना है आपको, ताकि आपके कार्डिक अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल वैसे ही कंट्रोल में रहेगा। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अगला है हमारा एक्ने। एक्ने के साथ हम एक और चीज़ को कंबाइन करते हैं, हेयर लॉस, क्योंकि ये सेम रिसेप्टर्स की वजह से होता है। DST की वजह से एक्ने होते हैं, और DST की वजह से ही हेयर लॉस होता है। तो अब इसको बेसिकली कंट्रोल कैसे करें? अगर आप हेयर लॉस आपको हो रहा है, सभी को नहीं होता है हेयर लॉस ऑन साइकिल, ये आपको ध्यान रखना है। जिन लोगों को हो रहा है वो एक्ने के अंदर मेडिसिन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी DST का यूज़ कर रहे हैं, DST ब्लॉकर्स यूज़ कर रहे हैं, ताकि उनका हेयर लॉस रुक जाए। अगेन इसमें हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों से शायद आपका हेयर लॉस रुक जाए, मगर पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन चीज़ों से आपका हेयर लॉस ना रुके और वो हो फिर भी ट्रिगर हो जाए। तो इनसे सिर्फ हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारा हेयर लॉस ना हो। तो अगर आपको सिर्फ एक्ने की प्रॉब्लम है तो आप इसमें एक्यूटेन यूज़ कर सकते हैं, हफ्ते में 3 बार, अल्टरनेट डेज पे ले सकते हैं, और जो उसके बीच में दिन बच रहे हैं उसमें आप एंजाइल प्रोऑक्साइड के जो सोप्स आते हैं, जैसे कि एक्ने स्टार हो गया, ये हो गया, जो साबुन आते हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए क्लीनिंग के लिए। साथ में आप एक्ने वाइप्स रखिए, आफ्टर एक्सरसाइज आप उससे हल्की हल्की क्लीनिंग कर सकते हैं। और जिन लोगों को हेयर लॉस हो रहा है तो उसे अब उनको अब एक्ने वाले पार्ट में से एक्यूटेन लेने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो आपको यहाँ पे फिनकार यूज़ करनी है। अब फिनकार यूज़ करने में भी बड़ा कैच है, यहाँ पे आप वीक में 3 बार लीजिए फिनकार, अल्टरनेट डेज में लीजिए, और एक्ने के लिए आप एक्ने की सपोर्ट्स में जो सोप और वाइप्स हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फिनकार डाला है अपने उसमें तो आपको एक्ने नहीं होंगे। सिमिलरली आपके अगर हेयर लॉस हो रहा है तो वो भी रुक जाएगा। और हेयर लॉस वाले पार्ट में आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो है लिव ऑन हेयर गेन। ये एक ऑयल है, इस ऑयल को आप लीजिए और इसकी जो है आप जो अल्टरनेट डेज में जब आप ले रहे हैं फिनकार, फॉर एग्जांपल आपने मंडे ट्यूसडे वेंसडे फिनकार लिया तो उसके बाद जो टाइम बचता है उन दिनों में आप ले सकते हैं, TTS के अंदर आप ले सकते हैं, ये ऑयल अप्लाई कर सकते हैं अपने सर में ताकि आपके हेयर में जो है ये ग्रोथ दे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक है स्लीपिंग डिसऑर्डर। अक्सर लोगों को स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, मुझे कई बार लोगों के मैसेजेस और कमेंट भी आए हैं जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि उन्हें सोने में दिक्कत हो रही है जब वो स्टेरॉयड ले लिया है। तो इसके ऊपर क्या है कि ये साइकोलॉजिकल भी होता है बहुत ज़्यादा, जब आप स्टेरॉयड यूज़ कर लेते हैं तो आप ओवर थिंकिंग में भी चले जाते हैं, जब ओवर थिंकिंग करते हैं तब भी आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, अगर आप स्टेरॉयड के स्ट्रेस में आ गए हैं तब भी आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर आप लेने वाले हैं तो पहले आप पूरा मन बनाइए तभी लीजिए, अदरवाइज़ लीजिए ही मत, क्योंकि अगर आप सोने में दिक्कत करेंगे तो आपके और जो बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगी। सिमिलरली अगर आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं है, आप साइकोलॉजिकली पूरी तरह से अपने आपको अपने ट्रेन कर लिया है, तो फिर आपको अपनी डाइट में रखना है अश्वगंधा और दूध, मिल्क कंज्यूम करना है आपको गुड क्वांटिटी में। तो अब बात करते हैं मूड स्विंग्स के ऊपर। बहुत लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं जब वो स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा वो बना हुआ है कि यार स्टेरॉइड ले रहा है अब इसको गुस्सा आएगा वो आएगा, आता है नो डाउट, मगर आप इस गुस्से को कंट्रोल करने के कुछ तरीके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को तुरंत गुस्सा आ रहा है, और ये हमने बहुत बार अप्लाई किया हर बार ये सक्सेस हुआ है, जब भी आपको गुस्सा आए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 गिलास पानी पीना है तुरंत ताकि आपके स्विंग्स कंट्रोल हों तुरंत ही। और दूसरी बात, अवॉइड करिए आर्ग्यूमेंट्स को, क्योंकि आपने आपके बॉडी में हल्का सा हार्मोनल इंबैलेंस चल रहा है जब आप स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से मूड स्विंग्स होना बहुत नेचुरल है। और कई बार लोगों को मूड स्विंग्स सिर्फ ईगो की वजह से हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी मसल बिल्ड हो रही है उनको उस बात पर ही गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो आपको उन चीज़ों से बचना है। सो गाइस अगला है अपसेट स्टमक। लोगों का अक्सर पेट ख़राब रहता है जब वो स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो क्यों होता है, क्योंकि लोग प्रोटीन को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं ड्यूरिंग स्टेरॉइड्स, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है उनको अपसेट स्टमक की। तब कैसे बचें, फाइबर अगर आपकी डाइट में अच्छा है तो आपको अपसेट स्टमक की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो कोशिश करिए कि ग्रीनरी अच्छी रखिए आप अपनी डाइट में, सीजनल सैलेड्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, स्प्राउट्स खाइए, ये सब अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपके अच्छा फाइबर रहेगा। स्टिल अगर उसके बाद भी अगर आपको ये हो रहा है तो आपको सबसे पहले अपने पेट को साफ रखने के लिए आपको एक जो है सिरप यूज़ करना है, उसका नाम है क्रेमाफिन। इसको रात में 10 ml आपको पी के सोना है अगर लंबे समय तक आपको स्टमक प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो। और उसके अलावा आप इसबगोल, जो दुनिया की सबसे जादुई दवा है, पता नहीं कितने लोग क्या क्या बातें करते हैं लोग यूट्यूब पे तो कुछ ज़्यादा ही, तो उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं नाइट में सोते टाइम, इसबगोल खाइए, उससे भी आपको फ़ायदा होगा, आपके स्टमक को अपसेट होने नहीं देगा वो। तो अगला आता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है कई बार, तो देखिए सांस लेने में दिक्कत होती है 2 रीज़न्स की वजह से, या तो आपके पेट में एसिड बढ़ गया है ये सब चीज़ें खाने की वजह से, या फिर आपके लंग्स में ब्लड क्लॉट्स जो है उनका जो काउंट है वो बढ़ गया है, जब वो बढ़ जाता है तब भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। तो दोनों को कैसे क्योर किया जाए, और हिचकी आना, लोगों को कई बार इसके ऊपर हिचकी आती हैं, अगर आपको हिचकी आ रही हैं और फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है इसका मतलब ये है कि आपके जो स्टमक है उसमें एसिड बढ़ गया है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, सही तरीका ये है कि वही अगर आप ग्रीनरीज और सब कुछ रख रहे हैं तो एसिड वो बढ़ेगा ही नहीं, अगर स्टिल वो उनकी कमी है आपकी डाइट में या उनके होने के बाद भी बढ़ रहा है तो एक मेडिसन है, एक सिरप है, उसका नाम है अल्ट्रासिड सिरप, इसको आप यूज़ कीजिए 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को, जब भी आपको जो है हिचकी है ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा होने लगे तो आप एक इस्तेमाल कीजिए, तो आपको हिचकियाँ भी बंद हो जाएंगी साथ में आपकी ब्रीदिंग इश्यूज़ भी ठीक हो जाएंगे। तो गाइज अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है जिसके लिए लोग सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो है टेस्टिकुलर
एट्रॉफी, लोगों के टेस्टिकल छोटे हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग साइकिल, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए अगर आप 3 महीने का साइकिल कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, एक इंजेक्शन आता है HCG, तो HCG का इंजेक्शन आप ड्यूरिंग साइकिल भी कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ साइकिल में अगर आपका 3 महीने का साइकिल है तो पर मंथ 100 IU आप बीच में HCG भी ले सकते हैं, उससे आपके टेस्टिकल्स जो हैं अप और रनिंग रहेंगे, बीच बीच में वो चलते रहेंगे, एंड ऑफ द साइकिल आपको उनको हिट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ लोग इस अप्रोच को यूज़ करते हैं, कुछ लोग इस अप्रोच को यूज़ नहीं करते हैं, बॉडी टू बॉडी ये वेरी करता है, आपको अपनी बॉडी को खुद से जज करना पड़ेगा। और गुरुजीयों की बातों में तो मत ही आइए, वो बहुत उल्टा सीधा करा देते हैं लोगों को। सो ये तो था टेस्टिकुलर एट्रॉफी। अगला पॉइंट है हमारा प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का क्या है कि एक लाइन में प्रोस्टेट को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके पीछे की एक बहुत लंबी चौड़ी साइंस है जो प्रोस्टेट के ऊपर ड्यूरिंग स्टेरॉइड काम कर रही है। तो प्रोस्टेट के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी, और अभी हम प्रोस्टेट को लीव करते हैं और हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला है किडनी सपोर्ट। अक्सर लोग जब स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं तो BP बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन करता है। BP के फ्लक्चुएशन से होता क्या है कि उनकी किडनी पे प्रेशर आ जाता है। जब किडनी पे ज़्यादा प्रेशर आएगा तो किडनी डैमेज हो सकती हैं, सेल्स डैमेज हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है उसके अंदर। और कई लोग जब वाटर कम कर देते हैं तो किडनी स्टोन तक की प्रॉब्लम आ सकती है उन्हें। तो उसके लिए बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला है डीटॉक्स सप्लीमेंट्स आते हैं किडनी के लिए, आप गूगल पर टाइप कीजिए किडनी डीटॉक्स सप्लीमेंट्स, आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी, बहुत से अलग अलग कंपनीज बनाती हैं। तो बेसिकली उससे होगा क्या कि आप उसको कंज्यूम करेंगे तो आपकी किडनी जो है काफ़ी हद तक सेफ रहेंगी। दूसरा एक नेचुरल डिटॉक्स इस दुनिया में अवेलेबल है, उसका नाम है कोकोनट वाटर। आप जितना हो सके नारियल पानी पीजिए, दबा के नारियल पानी पीजिए, आपको किडनी की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और हो सकता है अगर आप अच्छी तरह से नारियल पानी कंज्यूम कर रहे हैं तो किडनी प्रॉब्लम्स आए ही ना आपको ड्यूरिंग साइकिल। सो गाइज अगला है लिवर सपोर्ट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अभी होता क्या है कि लीवर के ऊपर सब लोगों ने बहुत उल्टी सीधी थ्योरीज दी हुई हैं इंटरनेट के ऊपर, खास तौर पे जो बॉडी बिल्डिंग में सपोर्ट करते हैं लोगों को। तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आपको मिल्क थिसल खिला देंगे, लीवर 52 खिला देंगे, फिर भी आपका लीवर जो है ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लीवर को एक अलग तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है लीवर एंजाइम्स की। जब आप ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो आपके लीवर एंजाइम्स डेड हो जाते हैं, या उनकी प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, या बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए हैं। तो इसीलिए 2 सप्लीमेंट्स आते हैं जो लीवर के सपोर्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। एक का नाम है टिड्यूका और दूसरे का नाम है नैक, NAC। ये दोनों आप गूगल पर सर्च कीजिए, आप बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं इसे, किसी का भी खरीदिए, ऐसा कोई कंपनी के ऊपर वो नहीं है। इन दोनों को आप कंज्यूम कीजिए, ये आपके लीवर एंजाइम्स को बहुत गुड क्वांटिटी में बढ़ाते हैं, जिससे आपको ये प्रॉब्लम आनी बंद हो जाती हैं। तीसरा है, एक और चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं, वो है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स का यूज़ कीजिए, दही खाइए, दही नहीं है तो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ऐड कीजिए, मगर लीवर की सपोर्ट ज़रूर रखिए ऑन साइकिल, वरना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। क्योंकि PCT में सबसे ज़्यादा काम करता है रिकवरी में, वो लीवर ही करता है, तो इसलिए लीवर की हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़, अवॉइड अल्कोहल ऑन साइकिल। बिल्कुल भी आपको अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करनी है अगर आप पीते हैं तो, नहीं पीते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लास्ट है हमारा जॉइंट पेन। लोगों को अक्सर जॉइंट पेन होता है जब वो खास तौर पे कटिंग फेज में जाते हैं अपने, जब वो फैट बर्न कर रहे होते हैं या बॉडी को लीन बना रहे होते हैं, तब उनको जॉइंट में पेन होता है, सोरनेस आ जाती है। कई लोगों को जॉइंट में पेन इसलिए भी होता है क्योंकि उनका एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो अभी इसको कैसे क्योर करेंगे बताएंगे एस्ट्रोजन कंट्रोल पे। फिलहाल आप जॉइंट पेन को देखिए। जॉइंट पेन में बेसिकली करना क्या है, एक सप्लीमेंट आता है मार्केट में जॉइंट प्लस करके, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, अपने डाइट में रखिए जॉइंट प्लस को। दूसरा जो तरीका है वो है, एक बहुत ही फेमस स्टेरॉयड है हमारे पास, टेकाड्यूरोबेंजीन। आप उसका 25 mg डोज ले सकते हैं जब आपको ज़्यादा जॉइंट पेन हो रहे हैं, तो आपके जॉइंट में तुरंत रिलीफ कर देगा, 1 से 2 दिन में आपको बहुत ज़्यादा आराम पड़ जाएगा, आपके जॉइंट पेन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे। ये तो हो गया एक 15 इश्यूज़। उसके बाद एक और बात आती है कि इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इनमें से कई काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर कंज्यूम करनी है, जैसे कि एस्ट्रोजन की मेडिसिन हो गई, वो आपको तुरंत नहीं लेनी है। तो कैसे करेंगे, हर आपको 15 से 20 दिन पे एक ब्लड टेस्ट कराना है, जिसमें आपके 2 टेस्ट होंगे, एक होगा E2 लेवल, एस्ट्रोजन का E2 लेवल, और दूसरा होगा आपका कोलेस्ट्रॉल।
लिपिड प्रोफाइल। तो ये आपको दो टेस्ट आपको हर 20 दिन पर कराने हैं, इनके जो भी प्रोफाइलिंग आ रही है उसके हिसाब से आपको इन सप्लीमेंट्स के साथ मिमिक करना है। अगर ये दो चीज़ें ठीक हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेफ चल रहे हैं अभी तक, क्योंकि E2 के साथ तो आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। सो गाइज, ये था वीडियो हमारा DCT के ऊपर। शायद आज तक किसी ने इस बारे में बात ही नहीं की है, इस वजह से दुनिया भर के लोगों को दुनिया भर के साइड इफ़ेक्ट आ रखे हैं। तो प्लीज़ ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही कोई काम कीजिए, एक अच्छे एक सही प्रोफेशनल के अंडर ही आप साइकिल कीजिए अगर आपको करना है, अदरवाइज़ अवॉइड कीजिए साइकिल करना। कोशिश कीजिए कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा जाएँ, वहाँ से आपको जो भी ग्रोथ मिलेगी वो लाइफ लॉन्ग होगी, स्टेरॉइड वाली वैसे भी कम होती है। अगर आप प्रोफेशनल एथलीट हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, तभी आप आगे बढ़िए, अदरवाइज़ मत जाइए। स्टेरॉइड जो है एक बहुत ख़तरनाक चीज़ भी हो सकती है, बॉडी टू बॉडी बहुत ज़्यादा कुछ इफेक्ट दिखाते हैं स्टेरॉइड्स। सो गाइज, ये था वीडियो DCT के ऊपर। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड enjoy your fitness journey with team House of Anabolics. Please download the application also. Goodbye.